नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके हमारे अपने चैनल में स्कोर प्लेयर। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में जो सीरीए का जो है मैच कवर करेंगे, ये मैच जो है आपको जो 5 बजे तक देखने को मिल जाएगा, जो होने वाला है उड़ेनेस वर्सेस ससुलो के बीच में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या जो है विनिंग परसेंटेज चल रही है इस मैच में, लोग क्या बोल रहे हैं, कौन सी टीम जो है ये मैच जो है विन कर सकती है। उड़ीनिस को जो है 44% लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं ससुलो को जो है 27% जो है लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं ड्रो की बात करें तो 29% लोग बोलते हैं कि ये मैच जो है ड्रो होने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैच स्टार्ट होने से पहले ही लाइनअप आता है, तो 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले लाइनअप आता है, तो अभी जो है लाइनअप नहीं आया है। और बाकी स्टेडियम की बात करें तो फिरूली स्टेडियम है, जिस स्टेडियम में जो है ये मैच जो है होने वाला है। अब आपको जो है लाइनअप की पहले नोटिस देते हैं। तो सर दोस्तों, हमारा जो लाइनअप है वो जो है हमारे को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना। बाकी अगर आप लोगों ने टेलीग्राम जो है डाउनलोड कर रखा है, तो आप जो है ड्रीम 11 स्कोर प्लेयर सर्च करेंगे, आपको 854 सब्सक्राइबर के साथ हमारा चैनल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम पे जुड़ने के आपको जो है बहुत सारे फायदे हैं, आपको जो है बेस्ट प्लेयरों की चॉइस पता चल जाएगी। ये कल के मैच के कुछ विनिंग स्क्रीनशॉट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैन यूनाइटेड वर्सेज नॉर्विच का है, ये क्रिस्टल पैलेस वर्सेज अरीना का है। तो कल के जितने भी मैच हैं उन सब मैचेस के जो है ये विनिंग स्क्रीनशॉट। अगर आप लोग भी हमारी टीम के साथ खेलेंगे तो आपकी भी 100% जो है विनिंग होने के चांसेस श्योरिटी है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी कल की टीम थी और जो रैंक वन है उनके 134 थे और हमारे जो है 128.75 थे। तो स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं और रैंक भी आपकी अच्छी होगी। ये MCFC वर्सेज ODS के बीच में, इनके भी 100 पॉइंट हमारे चले थे। ये नगला मैच है, क्रिस्टल पैलेस 70.25। अब देख सकते हैं आपके जो है कल के मैच के बहुत सारे सही विनिंग स्क्रीनशॉट रहे हैं। तो अगर आप लोग भी जो है ज्वाइन नहीं हुए और ज्वाइन होना चाहते हैं और ऐसी ही विनिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जो है टेलीग्राम पे जो है जुड़ जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक जो है मिल जाएगा। बात करते हैं हमारे जो स्टैट्स है उड़ीनिस वर्सेस ससुलो का, तो स्टैंडिंग क्या चल रही है। तो यहाँ पे जो क्लब रैंकिंग, मैच प्लेड, विन ड्रो लॉस क्या रहा है, पॉइंट क्या रहा है, गोल फॉरवर्डिंग, गोल अगेंस्ट और गोल डिफेंस क्या क्या रही है, उन सब के बारे में जो है हम आपको जो है बताने वाले हैं। और लास्ट 5 मैच स्कोर के बारे में भी जो अपडेट जो है आपको जो है देने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं उड़ीनिस वर्सेस ससुलो। तो उड़ीनिस वर्सेस ससुलो की टीम भी आप देख सकते हैं 13 और 14 नंबर क्लब रैंक पे जो है दोनों टीम जो है चल रही है, 18-18 मैच खेल चुकी है। वहीं बात करें विन की, 6 और 5 रेशियो की रेशियो में विन चल रहा है, ड्रो की 3-4 चल रहा है और लॉस नौ मैचेज जो है दोनों टीम जो है हार चुकी है। पॉइंट की बात करें तो 21 पॉइंट और 19 पॉइंट। यहीं पे ससुलो की जो है गोल फॉरवर्डिंग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलती है, 30 गोल, और उड़ीनिस की जो है 14 गोल। और यहीं पे डिफेंसिंग उड़ीनिस की आपको वीक दिख रही है और ससुलो की दिख रही है, तो यहाँ पे हम जो है ससुलो की टीम को जो है सपोर्ट करने वाले हैं। ये चीज़ आप याद रखना, हम जो है ससुलो की टीम को जो सपोर्ट करेंगे 7:4 या 6:5 एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है इस मैच में जो है चलने वाला है। लास्ट 5 मैच रिकॉर्ड की बात करें तो लास्ट 5 मैच रिकॉर्ड कुछ इस प्रकार है, विन विन लॉस ड्रो लॉस 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 विन ड्रो ड्रो, ये जो है इनके लास्ट 5 मैच रिकॉर्ड है। कुछ अच्छा जो है लास्ट 5 मैच रिकॉर्ड किसी भी टीम को जो है नहीं रहा है, बस ससुलो की जो है परफॉर्मेंस जो है लास्ट 3 मैचेस में जो है थोड़ी अच्छी आपको जो है देखने को मिल गई है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं टीम की, जो टीम हम बनाने वाले हैं उस टीम की जो है बात करते हैं। तो UDI वर्सेज SAS सीरीए का जो मैच है क्रिएट टीम वन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो है प्लेयरों की जो क्या चॉइस आती है वो बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है डी ब्रैडरी, ये हमारे पास SAS की टीम से चॉइस आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है SAS की टीम को जो हम फर्स्ट प्रेफरेंस लेके चलेंगे, 7 प्लेयर जो है SAS की टीम के लेके चलेंगे। फिर आपके पास आते हैं DS ओकला। एस ओकला आपके पास ऑप्शन है, आप इनको लेके चलना चाहें नहीं लेके चलना चाहें, इनकी परफॉर्मेंस जो पिछले मैचेस में अच्छी नहीं रही है, तो इसलिए अगर आप नहीं लेके चलना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ कप्यूटो आपको देखने को मिल जाते हैं, एफ कप्यूटो आपके पास एक ऑप्शन है, आप जिनको लेके चलना चाहते हैं तो लेके चल सकते हैं, नहीं तो नहीं लेके चल सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसमें मैं इशू आपको कुछ नहीं बोलूँगा, बट आपके पास है क्योंकि इन्होंने असिस्ट किया है पिछले मैचेस में, तो इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है। और एक यूनिक चीज़ और आई है ड्रीम इलेवन में, अगर आप लोग खेलते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, अगर किसी ने कुछ यूनिक चीज़ नोटिस करी है तो वो मेरे को कमेंट करके जो है ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इतना पता चल गया है कि कुछ एक चीज़ अच्छी है जो हाफ टाइम के बाद हमें मिलती है, अगर हमें पता हो कि विनिंग टीम कौन सी है। तो बात करते हैं RD पॉल, इनके साइड से गोल देखने को आपको मिलता है, ये आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अदर अच्छे ऑप्शन मिलते हैं RD पॉल। फिर आपके पास आते हैं एफ ट्रिजी जे बोगा। फिर उसके बाद बात करें डिफेंडर की, तो डिफेंडर की चॉइस में UDE की जो है पासिंग एक्यूरेसी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो UDE की जो हम बेस्ट 4 प्लेयर या तो आप यहाँ से लेके चल सकते हैं, आपकी विश है।
यूडी की जो है पासिंग एक्यूरेसी, जैसे आप लोगों को पता हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वहीं गोलकीपर की चॉइस करें तो यूडी का गोलकीपर भी डिफेंसिंग के मामले में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा जो है रहा है। तो बात करते हैं डिफेंडर की, तो यही मैं चीज़ देख रहा हूँ। तो यूडी की जो पासिंग एक्यूरेसी भी अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है। तो अब मेन चीज़ है हमारे पास कैप्टन और वाइस कैप्टन की जो है क्या चॉइस जो है देखने को मिलती है। मेन चीज़ हमारे पास जो कैप्टन वाइस कैप्टन ही बचता है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन की आपके पास जो है क्या बेस्ट चॉइस बचती है, तो वही चीज़ आपको जो है पता करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है डिफेंडर में एक प्लेयर लेके चल सकता हूँ, एम सैंटो। तो अब बात करते हैं हमारे पास क्या जो है कैप्टन वाइस कैप्टन की जो चॉइस बचती है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस आपको दोनों टीम से लेके चलनी है, तो आपके पास आर डी पोल या डी बैटरी, तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन जो आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस के ऑप्शन जो है देखने को मिल सकते हैं, डी बैटरी और आर डी पोल। बाकी इस मैच में 6:5 एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। और बात करूं विनिंग टीम की, अगर विनिंग टीम SAS रही तो डिफेंडर जो है हमारे मोस्टली जो SAS के ही रहेंगे। इस पे मैं रिसर्च करूंगा। और फाइनल टीम टेलीग्राम पे एक बार आपको जुड़ जाना है तो जुड़ जाना, फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाना, क्योंकि अगर SAS के इंपॉर्टेंट प्लेयर लाइनअप में हुए और मुझे लगता है कि इस टीम के साइड से गोलिंग रहेगा, तो एक डिफेंडर जो है हमारे जो है SAS की टीम से जो है ज़्यादा हो जाएंगे, और मिडफील्डर हम रैंडम एक या दो ही लेके चलेंगे। तो बाकी टेलीग्राम पे जुड़ जाना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जो है ज़रूर जाना, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन मिल रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जो है कर लेना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को जो है ख़त्म करते हैं, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।